सचा जी, कुछ ही दिनों में खड़मास शुरू होने वाला है, तो खड़मास शुरू होने से पहले कौन सा कार्य कर लेना चाहिए और कब से शुरू हो रहा है खड़मास? जय बाबा विद्यनाथ। खरमास का मतलब है कि उस महीने में कोई शुभ कार्य नहीं होता है, जैसे गृह प्रवेश, गृहारंभ, विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत, ये सब संस्कार खरमास में नहीं होना चाहिए। पूष मास जो होता है वह अशुद्ध महीना होता है। वर्ष में 2 महीने खरमास होते हैं, तो इस 2 महीनों में शुभ कार्य करना वर्जित है। इस बार 16 दिसंबर मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि 16 दिसंबर से खरमास प्रारंभ हो रहा है, जबकि मार्गशीर्ष महीना है, लेकिन जो भी काम होता है वह बंगला के हिसाब से होता है, सौर मास के हिसाब से होता है। तो खरमास सौर मास के हिसाब से 16 दिसंबर को पड़ रहा है, इसलिए आप इतना कार्य जो करेंगे, मंगल कार्य, विवाह आदि, उपनयन, यज्ञोपवीत इत्यादि जो भी है, वह 16 दिसंबर के पहले कर लें, नहीं तो फिर आपको 1 महीना तक इंतजार करना पड़ेगा। जब खरमास की समाप्ति होगी तब फिर आप कर सकेंगे।